नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टू चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जो बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर है, दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है, एक तरीके से आज का बिजनेस आइडिया कुछ समझ कर चलिए कि 4-5 गुना कमाई वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में ऐसे बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो लागत 15 रुपए में आप उसको खरीद करके उससे आप 50-60 रुपए 70 रुपए में भी बेचकर उससे आप मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है, गांव गली मोहल्ला कहीं पर भी चलने वाला बिजनेस है और अभी के टाइम में इस बिजनेस का जो मैं बताने वाला हूँ काफी ज्यादा डिमांड है। और दोस्तों आप बिल्कुल ये ना समझिएगा कि इस बिजनेस को मैं नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, दोस्तों इस बिजनेस में एक तरीके से आप 5,000 रुपए से शुरू करके आप एक तरीके से बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। मतलब 5,000 रुपए लागत में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उससे 3 गुना 4 गुना और 5 गुना तक की भी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस का डिमांड गांव मार्केट हर जगह है। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है इसको मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस कहा जाता है। एक तरीके से मतलब मोबाइल के साथ लगने वाले टूल वगैरह होते हैं उसके साथ उन सामानों को बेचकर बिजनेस किया जा सकता है। अभी देखा जाए तो भारत में जो मतलब अधिकतर कंपनियां हैं मोबाइल के अलावा चार्जर ज्यादा मतलब बनाती है, बाकी जो उसके साथ जैसे एयरफोन वगैरह होता है और या ब्लूटूथ हो गया, दोस्तों ये मोबाइल के साथ कंपनियां बहुत कम बनाती है। मतलब ज्यादातर कंपनियां इसको नहीं बनाती, केवल मोबाइल और चार्जर बनाती है। तो दोस्तों इन सब सामान को हम भी या आप कोई भी खरीदने जाता है तो लोकल मार्केट से ही खरीदता है। तो दोस्तों इसमें बिजनेस की बात क्या आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों इसमें बिजनेस की बात करें तो आपको क्या करना होता है कि जैसे जो अलग अलग जो छोटी लोकल कंपनियां होती है जो चार्जर या एयरफोन वगैरह बनाती है, दोस्तों आप उनको उन्हीं सामानों को खरीद करके बेचना है। मतलब एक तरीके से मोटा मोटी समझ लीजिए कि आपको मोबाइल से जुड़े हुए उपकरण जो भी यूज होते हैं मोबाइल के साथ, एयरफोन ब्लूटूथ वगैरह वगैरह अनेकों चीजें, दोस्तों उनको क्या करना है आपको थोक में खरीद करके बेचना है। और दोस्तों जैसे ही आप उसको खरीदने जाते हैं तो बहुत कम रेट में आपको मिलेगा थोक में जब उसको खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। दोस्तों एक बात करें हम आपके, जैसे डेटा केबल जो होता है मोबाइल चार्जर का डेटा केबल, चार्जिंग केबल माफ कीजिएगा, तो दोस्तों उसका अगर रेट की बात किया तो आप मार्केट में जब जाते हैं खरीदने तो 50 रुपए से ऊपर का ही मिलता है, जो कि लगभग 10 से 20 रुपए के बीच में थोक रेट में आप उसको खरीद करके लाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप चाहें तो अच्छा खासा एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए दो तरीके हैं जिसको आप अगर चाहे तो आसानी से शुरू करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में सबसे खास बात एक और है कि मान करके चलिए इस बिजनेस में आपको किसी लाइसेंस और परमिशन की आवश्यकता नहीं है, आपको सामान खरीद करके उसको बेचना होता है। दोस्तों जिसमें जो दो तरीके हैं उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो जिसमें पहला तरीका है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों पहला जो तरीका है एक तरीके से समझ करके चलिए कि आपको सीधे सीधे थोक में खरीद करके उसको रिटेल में बाजार में मतलब अच्छे खासी जगह पर एक मतलब छोटी से मतलब जगह लेकर के यहाँ बड़ी बड़ी मंडियां वगैरह लगती है या मान करके चलिए मार्केट लगता है या साप्ताहिक बाजार लगता है, दोस्तों वहां पर अगर मतलब छोटा सा जगह लेकर के भी अगर एक थैले में सामान लेकर के भी अगर आप बेचते हैं तो वहां भी बहुत ज्यादा बिकने का चांस है। या एक तरीके से समझ करके चलिए जहां भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां भी अगर थैला लेकर के बैठ जाते हैं, मतलब 4-5 हजार पूंजी लगा करके अगर सामान जिसका मतलब डिमांड है, आप भी देख रहे हैं उसको रिसर्च कर लीजिएगा कि जिस चीज का डिमांड है उसमें 5-5 पीस लेकर के अगर आप उसको बेचते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि किस चीज का डिमांड ज्यादा है। और दोस्तों आपको एक तरीके से आपको समझ कर चलिए कि कमाई भी अच्छी हो जाएगी और आप एक मार्केट सप्लायर मतलब अपना खुद का भी बेशक या कंपनियों से सामान खरीदते हैं लेकिन आप जिस जगह पे जिस मार्केट में जाएंगे तो आप एक अपना अलग पहचान बना करके वहां पे पेश होंगे। क्योंकि जब भी आप कोई सामान बेचते हैं तो अगर सामान अगर आपका अच्छा है लोग खरीद करके ले जाएंगे तो उसी दिन उसी टाइम अगर साप्ताहिक बाजार है तो उसी टाइम पे लोग आप ही के पास आएंगे और आपका नाम पूछ करके
जाएंगे। और दोस्तों और भी बहुत सारे ग्राहक लेकर के आएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से चाहें तो ये पहला तरीका है, इसको अपना करके आप उससे अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें दूसरा जो तरीका है दोस्तों, वो एक तरीके से समझ करके चलिए, उसमें आपको थोड़ा कम मार्जिन मिलने की संभावना है, क्योंकि उस बिजनेस में एक तरीके से कोई मोबाइल शॉप है या मान करके चलिए कोई मोबाइल का रिपेयरिंग का दुकान है दोस्तों, वहां आपको ऑर्डर लेना होता है और उसको खरीद करके आपको उसको देना होता है। मतलब कहने का तात्पर्य इतना है, जैसे मान कर चलिए कि किसी व्यक्ति ने मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान किया है और उसके पास ग्राहक आते हैं एयरफोन के लिए, तो दोस्तों वो मोबाइल दुकान छोड़ करके तो वो एयरफोन लाने तो जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है वह दुकानदार किसी सप्लायर से कॉन्टेक्ट करेगा। और दोस्तों आप वही सप्लायर बन करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए आप कैसे किसी कंपनी का माल थोक में खरीद करके लाते हैं, तो दोस्तों आप किसी दुकान पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पे चाहे तो आप थोड़ा मार्जिन लेकर के उनको सामान दे सकते हैं और घूम करके मतलब अनेकों दुकानों पर आप सप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं और डिमांड ला करके दे सकते हैं, उसमें आप कुछ मार्जिन भी कमा सकते हैं और इस तरीके से आप उससे भी अच्छा खासा बेनिफिट कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को अगर गांव के लिहाज से देखा जाए, मतलब गांव के दृष्टि से देखा जाए, तो दोस्तों यह जो बिजनेस है, इस बिजनेस के साथ आप और कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि गांव में बिजली की बात करें तो 24 घंटे तो रहती नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में 24 घंटे बिजली नहीं रहती। तो दोस्तों आप अगर मोबाइल के जो एक्सेसरीज का व्यापार किए हुए हैं गांव में, बाजार में कहीं घूम करके बेच रहे हैं या बाजार में बैठ करके बेच रहे हैं, तो दोस्तों उसके साथ आप चाहें तो जैसे मान लीजिए सोलर लाइटर, इलेक्ट्रिक टार्च वगैरह अनेकों ऐसे चीज़ें बेच सकते हैं या बल्ब वगैरह, जिससे आप एक तरीके से और ज़्यादा उसमें ग्राहक आपके पास जुड़ते चले जाएंगे और आप उससे और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। समय आपको उतना ही लगना है और आपको थोड़ा और अलग तरीके का सामान लेकर के पहुँच कर बैठना है और बेचना भी है। दोस्तों जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए गांव में हम लोग रहते हैं, अगर गांव में बिजली चली जाए तो अचानक लाइट का इंतजाम करना होता है, तो उसमें आपको सोलर लाइटर की जरूरत होती है। तो दोस्तों वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन सभी सामानों को भी बेच सकते हैं, इसके साथ इलेक्ट्रिक चीज़ों से मतलब और जो भी घरेलू चीज़ें हैं जो गांव में ज़्यादातर यूज किया जाता है, उन सभी को भी आप रख करके बेच सकते हैं और उसमें भी आप अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं। इस बिजनेस को अगर शहरों में देखा जाए तो शहरों में भी ये अच्छा खासा चलने वाला बिजनेस में से एक बिजनेस है। वहां पर भी माल वगैरह जहां पर भी रहते हैं वहां पर आप इस बिजनेस को साइड में कहीं किराए पर जगह ले करके या एक तरीके से आप वहां मतलब खुद डिसाइड कर लीजिए कहां पर बेचना है, वहां भी बेच सकते हैं, घूम करके भी इसको बेच सकते हैं। शहरों में भी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये एक तरीके से ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है और एक तरीके से आपको इसमें ना ही कोई रिक्स की आवश्यकता है, ना ही कोई झंझट की आवश्यकता है, आपको सामान खरीदना और सामान बेचना। दोस्तों मैंने तो ये भी देखा है इस बिजनेस को रेल के डब्बे में भी घूमकर बेचा जा सकता है, मतलब एक तरीके से यह बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है और आप इसको कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं, घूम करके इसको बेच सकते हैं, मतलब जहां भी घूमते चले जाएंगे वहां भी चाहे तो बेच सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।